किसी भी न्यू कंपनी को अपने आप को इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश करने के लिए एक किलर प्रोडक्ट से शुरुआत करनी पड़ती है। लकीली मैंने अपने आंखों के सामने होते हुए देखा है विद द शूज दैट आई विल बी रिव्यूइंग टुडे। माइंड यू, ये शू इस प्राइस पॉइंट पे इतना फेमस था कि इसे मैंने कभी भी सुना नहीं है कि कोई इसे किप्स्टा एजिलिटी 100 बुला रहा है। मैंने हमेशा सुना है कि किप्स्टा शू दिखा दो एंड एवरीबॉडी न्यू कि कौन से शू की बात हो रही है। एनीवे, वेलकम बैक गाइस टू अराउंड द वर्ल्ड, योर वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर फुटबॉल गियर रिव्यू। आखिरकार आफ्टर अ लॉट ऑफ पब्लिक डिमांड इन द कमेंट्स, आज का हमारा शू है किप्स्टा एजिलिटी 100। इस बार भी बॉक्स नहीं है, ठीक है। आई ट्राइड ओके। मैं सुबह 10:30 बजे उठ के जाके मॉल वाले डिकैथलॉन स्टोर के सामने खड़ा हो गया कि भाई मुझे ये शू बॉक्स में ही चाहिए। उधर के एम्प्लॉय ने बोला यहाँ पे तो बॉक्स में मिलेगा नहीं, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, आ जाएगा बॉक्स में। मैं गया फटफट घर पे, सबसे पहला काम मैंने यही किया, ऑर्डर किया। 3-4 दिन बाद आया, सही शू आया तो सही, बट यू नो इस चीप से पेपर बैग में। एंड माइंड यू, ये शू अंडर 1000 वाले रेंज में सबसे महंगा है, ठीक है। तो अलग ही नखरे हैं, मतलब इन्हें बॉक्स ही नहीं देना है, मतलब कस्टमर एक्सपीरियंस जाए खड्डे में। एनीवे, लेट्स स्टार्ट विद द अनरैपिंग ऑफ दिस शू। जब मैं इन शूज़ में फुटबॉल खेलता था तब ये दो कलर वेज में आती थी, एक था रेड ऑरेंजिश कलर और दूसरा था ये ब्लैक एंड वाइट कलर। बट आई थिंक अब ये सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में अवेलेबल है, इसका रीज़न तो मुझे पता नहीं। बट जब मैं डिकैथलॉन की वेबसाइट चेकआउट कर रहा था शूज़ ख़रीदने के लिए, तब मैंने रियलाइज़ किया कि यू नो हर शू रेंज में उन्होंने ज़्यादातर शूज़ में उन्होंने एक ही कलर वे रखा है। अब इसका रीज़न तो मुझे पता नहीं, आई थिंक शायद रेड कलर चलता ही नहीं है, या फिर ये कॉस्ट कटिंग स्ट्रैटेजी है डिकैथलॉन से कि बस एक ही कलर निकालेंगे हर एक शू में। जो भी हो, आई डोंट थिंक द लुक इज़ द रीज़न वाई ये शू खरीदी जाती है इतनी ज़्यादा। ऑफकोर्स ये PU लेदर से बना है तो इस पर जो ग्रेनी टेक्स्चर है वो इसे यू नो क्लोज टू लेदर वाली फील देता है, सो एक प्रीमियमनेस तो ज़रूर आती है उसमें। बट अदर देन दैट, डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से, शू डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें। स्टिचिंग है अलग अलग एरिया में, बट या द लुक इज़ नॉट द थिंग दैट आई वुड गो फॉर इन दिस शूज़। अब अपर लेयर की बात करूँ तो दिस इज़ मेड एज मैंशनड ऑन द वेबसाइट, दिस इज़ मेड ऑफ PU या फिर पॉली यूथरेन। तो सिंस ये फर्स्ट टाइम है कि चैनल पर हम पॉली यूथरेन वाला कोई प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो PU के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस समझ लेते हैं। सो फ्रॉम अ लुक परस्पेक्टिव, PU जो होता है वो इज़ द क्लोजेस्ट यू कैन गेट टू अ लेदर फिनिश। तो आप इस शू में भी देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्रेनी फीलिंग है, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट, दिस इज़ द क्लोजेस्ट यू कैन गेट टू अ लेदर फिनिश। तो ऑब्वियसली ये थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू अ PVC लेदर शू, राइट। एयर सर्कुलेशन की बात करें तो इसमें थोड़े पोर्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू PVC, तो इसमें जो एयर सर्कुलेशन होती है वो बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू PVC, राइट। बट ऑन द फ्लिप साइड, ये शू इतनी ज़्यादा वाटर रेजिस्टेंट नहीं होते, तो जो पोर्स की मैं जो बात कर रहा था जो एयर सर्कुलेशन में हेल्प करती है, वो वाटर रेजिस्टेंस के टाइम इसकी एक डिसएडवांटेज ज़रूर बन जाती है, राइट। एंड ऑल्सो ड्यूरेबिलिटी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो PVC लेदर इज़ मोर ड्यूरेबल देन PU। ये सो बेसिकली अगर आप एक शू में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो ज़्यादा लंबे टाइम तक चले, तो PVC वुड बी अ बेटर ऑप्शन देन PU, राइट। एक और पर्सपेक्टिव है जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं, वो है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना। सो PU इज़ मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली दैन अ PVC लेदर, राइट। सो इफ़ यू आर रियली इन्वायरमेंटल कॉन्शियस वाइल बाइंग योर प्रोडक्ट्स, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस शूज़ एज कम्पेयर टू एनी PVC लेदर ऑप्शन अवेलेबल इन दिस रेंज। पैडिंग की बात करें तो जो हील एरिया है उसमें भी जो पैडिंग है वो एडिक्वेट है। आई वुड नॉट से इट इज़ द बेस्ट इन दिस प्राइस रेंज, बट ठीक है, मतलब नॉट दैट बैड ईदर। एंड इनसाइड ऑफ द शू की पैडिंग की बात करूँ तो एक्स्ट्रा कोई एलिमेंट नहीं है पैडिंग, कोई एक्स्ट्रा कुशनिंग नहीं है इसके अंदर।
इट्स जस्ट दी आउटर लेयर और फिर आपका शू आपका पैर आता है राइट। इंसोल की बात करूँ तो अगेन प्रिटी बेसिक इंसोल, कोई स्पेसिफिक एलिमेंट नहीं है परफॉर्मेंस के लिए, बट आई वुड जस्ट लाइक टू से कि ये इंसोल निकालना सबसे ज़्यादा ईजी था एज़ कम्पेयर टू ऑल दी अदर शूज़ आई हैव रिव्यू टिल नाउ। इन्होंने स्मार्टली यहाँ पे दोनों टिप्स पे, नीचे वाले टिप और आगे वाले टिप पे गम लगाया हुआ है, सो आई थिंक द साइकोलॉजी हियर इज़ बेसिकली हम जितने ज़्यादा यूज़ करेंगे शू को वो उतना ज़्यादा गम से चिपकते जाएगा एंड लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव में यू नो एकदम फिट बैठ जाएगा। फाइनली इसके स्टड पैटर्न की बात की जाए तो यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे सारे के सारे जो स्टड्स हैं वो कोनिकल स्टड पैटर्न के हैं। यहाँ पे 27 कोनिकल स्टड पैटर्न्स वाले स्टड्स हैं एंड आई डोंट नो इफ यू कैन नोटिस इट, ये जो बाहर वाले जो लाइन वाले स्टड्स हैं दे आर एट एन एलिवेटेड पोजिशन फ्रॉम वॉट इज़ इन साइड, ये जो ट्राइंगल्स में जो स्टड्स हैं उनसे ज़्यादा एलिवेटेड पोजिशन पे राइट। जो इसका विड्थ है या जो भी आप डेप्थ बोल सकते हो स्टड्स का वो बहुत कम है बेसिकली एज़ कम्पेयर टू इट्स कम्पेटिटर्स। सो इस स्टड पैटर्न का बेसिक फंडा ये है कि ये सिर्फ यू नो टर्फ ग्राउंड को माइंड में रखते हुए बनाया गया है। इफ़ यू लुक एट द रिस्पॉन्सिवनेस या फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द शूज, ये बहुत ज़्यादा टाइट है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू ऑल द शूज़ आई हैव रिव्यूड टिल नाउ। तो भाई इस शू का फंडा तो बहुत क्लियर है, ये सारे के सारे कोनिकल स्टड पैटर्न्स है तो टर्निंग इज़ द नेम ऑफ द गेम फॉर दिस स्टड्स। कोई एक्सेलरेशन के लिए तो कोई भी एलिमेंट नहीं रखा गया, तो आई वुड गो ऑन टू से ये तो एक परफेक्ट मिडफील्डर शू ही लग रहा है मुझे। एंड फाइनली कमिंग टू द वेट पार्ट ऑफ इट, इसका जो वेट है वो है 234 grams। वाओ, सो दिस इज़ लाइक द लाइटेस्ट बूट अभी तक जो मैंने रिव्यू किया हुआ है। आई थिंक दैट इज़ द रीज़न अब मुझे शायद समझ आ रहा है कि ये इतना अच्छा क्यों लगता है मुझे ड्रिबलिंग करते समय। आई एम वेरी एक्साइटेड टू डू द प्ले टेस्ट इन दिस। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर वीडियो। मैं इस शू का प्ले टेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ग्रोइंग अप इसी शू में मैंने सबसे ज़्यादा गेम्स खेले हैं, सो देर आर अ लॉट ऑफ मेमोरीज अटैच टू इट। आई एम श्योर प्ले टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा बायस आने वाला है, बट एनी वे टिल देन यू नो द ड्रिल राइट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अराउंड द वर्ल्ड एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। Thank you.